नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर। आज हम आपको चेहरे पर दाग धब्बे झाइयां इनके प्रकार और इनके कारणों के बारे में बताएंगे। फेस पर काली छाया, पिगमेंटेशन या झाइयां होना एक ऐसी समस्या है जिसमें चेहरे पर गहरे रंग के पैचेज पड़ जाते हैं। ये पैचेज बड़े और छोटे हो सकते हैं। हालांकि यह समस्या हानिकारक नहीं होती है, लेकिन चेहरे पर झाइयां आ जाने से व्यक्ति का चेहरा खराब दिखने लगता है और उसकी सुंदरता मलिन पड़ जाती है। त्वचा पर झाइयां पड़ने का मुख्य लक्षण यह है कि चेहरे की त्वचा अनहेल्दी हो जाती है। वास्तव में झाइयां और डार्क स्पॉट्स भी कई प्रकार के होते हैं और सही इलाज करने या बताने के लिए बहुत जानना जरूरी है कि आपके काले धब्बे किस प्रकार के हैं, जिससे उनके होने का सही कारण पता करके उनका सही इलाज किया जा सके। पहला प्रकार, एपिडर्मल यानी त्वचा की सतह पर। ये झाइयां धूप के कारण जली हुई सी भूरे या गहरे भूरे रंग की होती है और इनसे छुटकारा पाने में महीनों या साल तक लग जाते हैं। दूसरा प्रकार, डर्मिस त्वचा की आंतरिक परत। इस प्रकार की झाइयां रंग में नीले भूरे रंग की होती है और अगर इनका इलाज न किया जाए तो ये स्थायी भी हो सकती है। तीसरा प्रकार, मेलास्मा। मेलास्मा डार्क स्पॉट्स का वो प्रकार है जो गालों पर बड़े धब्बों जैसा दिखता है। हार्मोनल असंतुलन, हार्मोनल थेरेपी या थायराइड हार्मोन के सही से कार्य न करने के कारण इस तरह के काले धब्बे पैदा होते हैं। चौथा प्रकार, लेंट ई गिनेस। लेंट ई गिनेस वो डार्क स्पॉट है जिनका कोई खास पैटर्न नहीं होता है। ये सामान्य तरह है भूरे रंग के धब्बों को में दिखाई देने लगते हैं जो बड़े बूढ़ों की खाल पर दिखाई देते हैं। ये त्वचा के सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों के अत्यधिक संपर्क में आने के कारण होते हैं। पांचवा प्रकार, पिंपल के निशान। जब पिंपल किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया से संक्रमित होते हैं तो इनमें दर्द हो सकता है। इसके हल्के होने के बाद निशान भी पड़ सकता है। धीरे धीरे यह निशान डार्क स्पॉट का रूप ले सकता है। छठा प्रकार, पोस्ट इंफ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन। किसी भी प्रकार की चोट या घाव जैसे रगड़, जलना, मुहासे आदि के कारण भी त्वचा में काले धब्बे हो जाते हैं जो बाद में उस जगह काले धब्बे होने के कारण बनते हैं। झाइयों और दाग धब्बों के प्रकारों के आधार पर अब हम इसके कारणों के बारे में भी बात करेंगे। चेहरे पर झाइयां के कई कारणों से होती है। यह लंबे समय तक बनी रहती है। आमतौर पर यह देखा गया है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं के चेहरे पर झाइयां अधिक दिखाई देती है। आइए जानते हैं चेहरे पर किन कारणों से पड़ती है झाइयां। अधिक देर तक धूप में रहने से, चोट लगने के कारण चेहरे की त्वचा क्षतिग्रस्त होने से, हार्मोन में बदलाव और उतार चढ़ाव होने से, फेसियल हेयर रिमूवर का गलत तरीके से इस्तेमाल करने से, एलर्जिक रिएक्शन से, आनुवंशिक कारणों से। हालांकि चेहरे पर झाइयां पड़ने के जो भी कारण हो, लेकिन आम तौर पर इनको घरेलू उपायों से ठीक किया जा सकता है, जो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे झाइयों को दूर करने के घरेलू उपायों के बारे में। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा आज का वीडियो? अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों।